Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome you all in the part 11 of MCQs on carbohydrates and metabolism of carbohydrates. इससे पहले हम 10 parts में carbohydrates और metabolism of carbohydrates पर different MCQs discuss कर चुके हैं. जो remaining MCQs हैं उनको हम further parts में discuss करेंगे. आज के लेक्चर का पहला MCQs है fructose is present in the hydrolysate of sucrose, इनुलिन, both of these or neither of these. तो फ्रक्टोज जो है वो both of these के हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है, चूंकि सक्रोज एक डाइसैकराइड है, इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं और इनुलिन जो है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है. तो both of these having fructose on their hydrolysis. N acetyl galactosamine sulfate is present in chondroitin sulfate. Invertase catalyzes the hydrolysis of, तो invertase एक एंजाइम है जो किसके हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करता है, तो ये सक्रोज के हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करता है, चूंकि सक्रोज एक इनवर्ट शुगर है तो इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है. होमोपोलीसैकेराइड मेड अप ऑफ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का जो होमोपोलीसैकेराइड है उसको हम इनुलिन कहते हैं, जो एमसीक्यूज नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इनुलिन जो है ये पॉलीसैकेराइड है किसका, फ्रक्टोज का, और ये कौन सा पॉलीसैकेराइड है, ये होमोपोलीसैकेराइड है. ए ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज मेड अप ऑफ, ग्लाइकोसाइड का जो ए ग्लाइकोन पोर्शन है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का जो ए ग्लाइकोन पोर्शन है, दैट इज मेड अप ऑफ स्टीराइड्स. आइडेंटिकल ओसाजोन्स आर फाउंड बाय ऑल ऑफ दीज form the identical osazones, glucose and fructose, glucose and mannose, mannose and fructose. So all of these are responsible for the formation of identical osazones. Maltose can be formed by hydrolysis of starch, dextrin, glycogen, all of these. तो ये all of these जो है glycogen, dextrin और starch ये सारे जब hydrolyze होते हैं तो इनसे maltose बनता है. अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन अमाइलोज. सल्फेटेड एडोरोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन हेपारिन. इन एरिथ्रोसाइट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एरिथ्रोसाइट में ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट, चूंकि एरिथ्रोसाइट्स में क्रेब्स साइकिल नहीं होता तो पायरुवेट फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. Both glycolysis and gluconeogenesis involve which of the following enzyme? तो glycolysis और gluconeogenesis का जो common enzyme है उसको हम aldolase कहते हैं. The conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A is catalyzed by the enzyme pyruvate dehydrogenase. In this reaction, pyruvate को जब acetyl coenzyme A में convert जब किया जाता है तो इसको कैटालाइज करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. तो इस रिएक्शन में NADH रिड्यूस होता है, NAD रिड्यूस होता है NADH में. इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको TCA साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, द रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नोन एज. तो जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका ऑप्शन है. इंसुलिन प्रोमोट्स हाइपोग्लाइसीमिया बाय अ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया को प्रमोट करता है, चूंकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो इसमें ये सारे जो स्टेप हैं ये ग्लाइकोसीमिया का मैकेनिज्म है, लेकिन एक स्टेप नहीं है, वो है स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम. तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट नहीं करता. Which of the following is a hyperglycemic hormone that is secreted by the pancreas? Hyperglycemic hormone वो होता है जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, तो पेनक्रियाज से रिलीज होने वाला हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ग्लूकागॉन. All of the following electron carriers are components of the mitochondrial electron transport chain except ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में इस्तेमाल होते हैं लेकिन कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में इस्तेमाल नहीं होता। कोएंजाइम Q इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैरीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैरियर्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकांड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैरियर आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के जो कैरियर्स हैं वो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। Which of the following is the correct sequence of electron acceptors in electron transport system for the production of ATP? तो इसमें कौन सा सिस्टम ठीक है जो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3। इट्स ए करेक्ट ऑप्शन। Which of the following terminal cytochrome is responsible for donating electron to oxygen? तो टर्मिनल साइटोक्रोम है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करता है वो है, जैसे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, साइटोक्रोम A3 इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो साइटोक्रोम A3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ये टर्मिनल साइटोक्रोम है। Which of the following is not the irreversible reaction of Krebs cycle? तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये irreversible रिएक्शन नहीं है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Which of the following enzyme of the TCS cycle catalyze co-reduction of the FAD to FADH2? तो जब सक्सिनेट जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये FADH को FADH2 में कन्वर्ट करता है। Which of the following is the first complex of the electron transport system? चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चार कम्प्लेक्स होते हैं और चारों के मुख्तलिफ नाम है, जो पहला कम्प्लेक्स है उसका नाम है NADH dehydrogenase। Which of the following is the complex 3 of electron transport system? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1। In comparison with the resting state, actively contracting human muscle tissue has a, और resting state के comparison में जो actively contracting human muscles होते हैं उसमें higher rate of lactate formation होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा energy की ज़रूरत होती है, उसमें फिर anaerobic respiration होगी और lactate formation ज़्यादा होगी। तो higher actively contracting muscles having higher rate of lactate formation as compared to the resting state. The following hormones have hyperglycemic effect except, ये सारे हार्मोन्स हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं लेकिन इंसुलिन जो ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन हैविंग हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट नॉट द हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। The following are the functions of the pentose phosphate pathway except converts glucose to galactose। तो पेंटोज फास्फेट पाथवे में ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होता। इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH प्रोड्यूसेस, तो एक जो FADH2 मॉलिक्यूल है इससे 2 ATP बनते हैं और NADH से 3 ATPs बनते हैं। 28 इन फ्रक्टोफ्यूरानोज एनोमेरिक कार्बन एटम इज, तो फ्रक्टोफ्यूरानोज में जो एनोमेरिक कार्बन एटम होता है वो कार्बन नंबर 2 होता है। A monosaccharide not having D and L isomer is, तो वो monosaccharide जिसमें D और L isomers नहीं होते उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। In D-glyceraldehyde, OH group is present on the right hand side of carbon atom number 2. Amino sugars are present in, तो amino sugar present होते हैं हेलोरोनिक एसिड में भी, चोंड्रोइटिन सल्फेट में भी और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो ऑल ऑफ दीज हैविंग द अमाइनो शुगर्स। व्हिच आर द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी चेन कंपोनेंट्स रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन? साइटोक्रोम A3, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोक्रोम A3 जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग electron transport chain except components are organized in decreasing order of redox potential. So components are organized in the increasing order of the redox reaction. Which of the following is involved in pentose phosphate pathway? So pentose phosphate pathway में glucose 6 phosphate dehydrogenase involved होता है. The proposal of the chemiosmotic hypothesis was by Peter D. Mitchell. About what proportion of mitochondrial proteins are encoded by the nuclear DNA? So more than 95% जो mitochondrial proteins हैं that are encoded by the nuclear DNA. If rotinone is added to the mitochondrial electron transport chain, then succinate oxidation remains normal. The study of energy relationship and conversion in biological system is called. So energy relationship or conversion of energy in biological system is called bioenergetics. That is the definition of the bioenergetics. During periods of increased energy demand, cardiac muscles cells can switch from predominantly utilizing fatty acid to glucose. जब energy demand ज़्यादा होती है, जो cardiac muscles होते हैं, वो फैटी एसिड से यूटिलाइज कर स्विच करते हैं ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को. हेट्रोपोलिसैकेराइड अमंग द फॉलोइंग इज, तो इनमें से हेट्रोपोलिसैकेराइड कौन सा है? तो हेपारिन इज ए हेट्रोपोलिसैकेराइड. इनुलिन भी होमोपोलिसैकेराइड है और ये फ्रक्टोज का होमोपोलिसैकेराइड है. सेल्यूलोज ग्लूकोज और डेक्सट्रिन भी ग्लूकोज का होमोपोलिसैकेराइड है, जबकि हेपारिन हेट्रोपोलिसैकेराइड है. द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन में ग्लूकोज का जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है वो है ग्लूकोपाइरानोज. एन एल आइसोमर ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी इज एल सेल्यूलोज. द फॉलोइंग कॉजेज लीवो रोटेशन, कौन लीवो रोटेशन करते हैं? तो ये सारे लीवो रोटेशन करते हैं, डी फ्रक्टोज, डी एल ग्लूकोज और एल राइबोज. ऑल ऑफ दीज आर causes levo rotation. In starch chain structure of D-glucose, OH is present on left side of carbon atom number 3. तो D-glucose के carbon number 3 में जो OH होता है वो left side पर होता है. Ubiquinone transfer its electron to cytochrome C. Which of the following complexes of electron transport system does not account for the pumping out of proton from mitochondrial matrix? तो कौन सा जो कम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन को पंप नहीं करता? तो इट इज द कम्प्लेक्स 2. कम्प्लेक्स 2 जो है वो कम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता. प्रोटॉन पंपिंग में कम्प्लेक्स 2 हेल्प नहीं करता. इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान बनती है एटीपी और बनता है एटीपी और वाटर. द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज, तो ये डेल्टा जी नॉट की डिफिनेशन है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट टू 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट. क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स में गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसकी डिफिनेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट टू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. If the standard Gibbs free energy delta G for a reaction is positive, then अगर delta G positive है तो the reactant will be favored. इसका मतलब है reaction reverse में आएगा, तो reactants reaction reverse में आएगा तो product से reactant बनेंगे, तो reactants will be favored. Thank you so much. This is all about the part 11 of MCQs on the carbohydrates and the metabolism of carbohydrates. In the next lecture, we will discuss part 12 of MCQs on carbohydrates and the metabolism of carbohydrates.